नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑन टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चैनल में नया हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, ताकि जॉब की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए बात करते हैं जो कि है भर्ती है एमपी व्यापम यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से नई भर्ती की, जो कि सूचना जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें बड़ी भर्ती है, लगभग 3555 टोटल पोस्टों की है भर्ती है। तो अलग अलग पोस्टों की है भर्ती है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे समूह टू, समूह उप समूह फोर और सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग से अंतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए यह भर्ती निकाली गई है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और कौन कौन से राज्य के आवेदन कर सकती इसकी जानकारी आप लोग को पूरी बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो ऑनलाइन की बात करें तो 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और इसकी अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2023 तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और परीक्षा का तिथि भी जारी कर दिया गया है, तो 15 मार्च 2023 को से यह स्टार्ट हो जाएगा। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थी इनके लिए 500 रुपये जो कि शुल्क रखी गई है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य अभ्यर्थी इनके लिए 250 रुपये जो कि शुल्क रखी गई है, और सीधी और संवेदन दोनों भर्ती के लिए है जो कि शुल्क है। अब आप लोग को जो कि पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा पोर्टल चार्ज, यहाँ देख सकते हैं पोर्टल चार्ज आपको 60 रुपये देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग यूजर आईडी के माध्यम से बना रहे हैं तो उसको 20 रुपये आपको शुल्क जो कि जमा करना ही पड़ेगा। और परीक्षा देख सकते हैं दो पाली में यह पर मतलब संपन्न होगी। तो पहला पाली आप लोग देख सकते हैं सुबह के 7 से 8 जो कि रिपोर्टिंग टाइम है, और दोपहर के 12:30 से 1:30 बजे, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 8:50 से 9 बजे तक है। और दूसरे शिफ्ट के लिए है 2:20 से लेकर 2:30 तक, और उत्तर लिखने का समय यहाँ देख सकते हैं 9:00 से लेकर 12:00 बजे तक 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगा। तो 3 घंटे का समय दिया गया है। तो अभ्यर्थी को जो कि आधार कार्ड जो कि पंजीयन होना अनिवार्य है, और आपको जो कि पहचान के लिए क्या आवश्यक है डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जो भी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, वो लेकर जा सकते हैं, और किसी अन्य माध्यम से मतलब आप लोग को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उस माध्यम से। तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयुक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप किसी भी राज्य से हो लेकिन मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। चाहे एमपी से मतलब चाहे छत्तीसगढ़ से हैं, चाहे अलग जैसे महाराष्ट्र से भी हैं, लेकिन आपको बात करें तो मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय से पंजीयन होना ही चाहिए, तभी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं इसके पोस्टों की, तो अलग अलग पोस्टों की यह भर्ती निकाली गई है। और यहाँ देख सकते हैं जैसे पहले भी बता चुके हैं वही है, समूह टू, उप समूह चार, सहायक परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक एवं सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशम अधिकारी एवं समक्ष पदों जैसे भूल अभिलेख राजस्व विभाग से पटवारी कार्यपालिका के लिए है भर्ती निकाली गई है। तो पटवारी के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और ये रहा जो कि पाठ्यक्रम, तो आ के लिए सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित,
200 अंक के पूछे जाएंगे। वाच्य है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तर्क शक्ति योग जो कि सामान्य प्रबंधन, ये सब जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड। और आयु की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और समय समय पर आपकी छूट दिए जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट ज़रूर करें और 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी उसी के बारे में हम बात करेंगे, जैसे आरक्षक के लिए हम देख सकते हैं आरक्षण किन किन कैटेगरी के लिए कितना कितना दिया गया है, तो अनुसूचित जनजाति इसके लिए 20 और अनुसूचित जाति यानी SC के लिए है 16 और OBC के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक कमजोर से 10% जो कि दिए जाएंगे, तो अलग अलग के लिए अलग अलग रखी गई है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए जिस कैटेगरी के आते हैं तो देख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ देख सकते हैं यात्रा भत्ता के बारे में क्या जानकारी दिए गए हैं, तो एक बार नोटिफिकेशन चेकआउट ज़रूर करें, आपके पास समय दिया गया है तो उस समय का आप लोग उपयोग करें ताकि मिस्टेक बिल्कुल ना हो पाए। तो बहुत ही लंबा समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, यहाँ देख सकते हैं पोस्ट के बारे में महत्वपूर्ण बहुत ही जानकारी है, जैसे कितने पोस्ट रखी गई है, तो सीधी भर्ती के लिए 3,225 और संविदन के लिए 80 है, और सीधी भर्ती जो कि बैकलॉग इसके लिए है 250 पोस्ट निकाली गई है, तो ये किन किन पदों की पोस्टों की भर्ती है देख सकते हैं, अनुवादक और सहायक ग्रंथपाल, ग्रंथपाल सहायक संप्रेक्षक, सहायक संप्रेक्षक और जनसंपर्क अधिकारी से है, और कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोनोटाइपिंग, इन्हीं तमाम अलग अलग पदों की है भर्ती निकाली गई है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपके लिए ही अच्छा होगा। और नीचे आ जाते हैं और मेन टॉपिक को ही आप लोग को बताएंगे और कवर करके दिखाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं पटवारी के लिए सीधी भर्ती है और 2700 टोटल 36 पोस्ट निकाली गई है, तो लगभग अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी गई है, तो कैटेगरी हिसाब से ही रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 1187, EWS के लिए 257, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 518 और ST के लिए 774, OBC के लिए 819, तो टोटल 3555 पोस्ट की यह भर्ती निकाली गई है, तो अगर आप लोग आवेदन देना चाहते तो बिल्कुल दे सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो सभी का अलग रहेगा सैलरी, तो यहाँ देख सकते हैं अनुवादक इसके लिए कितना पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट है और 32,800 से लेकर 1,03,600 रुपये जो कि इसकी सैलरी है। अब इसके लिए साक्षर योग्यता की बात करें तो सभी के लिए, अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं मतलब स्नातक पास हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, जो स्नातक पढ़ रहे हैं मतलब लास्ट ईयर चल रहा है उनके लिए एक मौका है, वो फॉर्म भर सकते हैं, तो सभी के लिए वही रहेगा स्नातक पास, साथ ही साथ अगर आपके पास कंप्यूटर है और भी डिप्लोमा है तो आप लोग को प्राथमिकता दिए जाएंगे, उस हिसाब से देख लेना आप लोग का, जैसे सहायक ग्रंथपाल अलग अलग पदों के लिए सभी के लिए अलग अलग है, सैलरी की बात करें तो सभी के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है, तो हिसाब से देख लीजिए आपकी जानकारी, जो भी आप लोग पोस्ट कर मतलब पोस्ट में भर रहे हैं तो सैलरी की है पूरी डाटाबेस ये दिया गया है। चलिए अब पटवारी जानकारी में नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ से जो कि पटवारी चयन परीक्षा 2022 है, तो संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक ही समझ लेना, उसके बाद ही आप लोग फिलअप कीजिए। क्या है सैलरी देख सकते हैं पटवारी के लिए 5,200 से लेकर 20,200 तक है, प्लस में ग्रेड में 2100 जो कि ग्रेड पर रखी गई है, तो बिल्कुल देखिए। और आपको क्या होना चाहिए साक्षर योग्यता,
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मतलब स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ताकि आपको मतलब अनुभव होना ही चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। और यहाँ देखिए मतलब पटवारी के लिए क्या है, भारतीय नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी, जो कि निवासी होना अनिवार्य है मध्य प्रदेश जिला के। और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, और पहले भी बता चुकी हैं 18 से 40 ईयर जो कि रखी गई है, और विभागीय के लिए स्पेशल जो कि छूट दिए जा रहे हैं। और टोटल यहां भर्ती की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं टोटल भर्ती कितना है, 2736 पोस्ट टोटल है, जैसे महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ रखी गई है। तो कितना खाली है महिला और पुरुष के लिए, तो टोटल यहाँ सभी के लिए अलग अलग जैसे तालिका वो यहाँ भूतपूर्व सैनिक संवेदन कर्मी हेतु कितने हैं, मतलब कितने भराएंगे, सब पूरी जानकारी दिए गए हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए, टोटल 2736 पोस्ट की भरनी है। तो चलिए बताते चलेंगे, शैवपुर यहाँ से 17 पोस्ट है, मुरैना से 7 पोस्ट है, और शिवपुरी से 29 पोस्ट है, और गुना से 33, अशोकनगर से 26, और दतिया से 3, उज्जैन से 23, देवास से 18, रतलाम से 49, और शाहजहाँपुर से 32, आगरमालवा यहाँ से है 76, उसी का प्रकार है मंदसौर यहाँ से 75, और निमचा यहाँ से 58, इंदौर से 12, धार से 104, बड़ी पोस्ट है कह सकते हैं यहाँ से, झबुआ से 13, अलीराजपुर यहाँ से है 21, खरगोन से यहाँ से 100 पोस्ट है, ये भी बड़ी पोस्ट है, बड़वानी यहाँ से भी बड़ी पोस्ट है, 100 पोस्ट है, उसके बाद है खंडवा यहाँ से 76 है, बुरहानपुर यहाँ से 37 है, भोपाल से 13 है, सीहोर से है 24 है, सॉरी सायसेन यहाँ से 21 है, राजगढ़ से 47 है, विदिशा यहाँ से है 44, बैतूल यहाँ से 60 पोस्ट है, होशंगाबाद से 25, और हरदा यहाँ से है 42, और सागर से 63, दमोह यहाँ 27, और पन्ना से 51, छतरपुर से 57, टीकमगढ़ यहाँ से 53 है, निवाड़ी यहाँ से 20 पोस्ट है, जबलपुर से 25 पोस्ट है, कटनी से 34, नरसिंहपुर यहाँ से 21 है, छिंदवाड़ा से 148 सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ से है, उसके बाद सिवनी से 127 है, मांडला से 52 है, डिंडौरी से 88 है, बालाघाट से यहाँ से और बड़ी पोस्ट कह सकते हैं बढ़ गई है 208 है, उसके बाद रीवा से यहाँ से और बढ़ गई है, तो 218 पोस्ट है रीवा से, और शहडोल से 47, अनूपपुर से 67, उमरिया से 51, सीधी से 56, और सिंगरौली से 59, सतना से 59, तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है, लगभग 2736 टोटल पोस्टों की ये भर्ती है। और जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे कैसे फॉर्म भरना है, तो ज़रूर चेकआउट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ टाइमिंग की कुछ इस प्रकार से दी गई है, तो उसी प्रकार से आप लोग जो कि टाइमिंग का मैनेज करेंगे, और एडमिट कार्ड आपको www.peb.mp.going पर वहीं आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से है नहीं प्रेषित किए जाएंगे। तो टाइमिंग दिए गए हैं, मूल्यांकन कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ज़रूर देखिए, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जॉब की जानकारी अब तक जल्दी से जल्दी मिल सके।